ये देखिए मैगी बनाने के लिए आपको मैगी ले ली हूँ, प्याज ले ली हूँ, अंडे ले ली हूँ और ये हरी मिर्ची ले ली हूँ, ठीक है। और हमें चाहिए लाल मिर्ची का पाउडर, ये देखिए। और आपको मुझे चाहिए चिकन मसाला, ये देखिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल से मैं मैगी बनाऊंगी, ठीक। और इधर देखिए पानी गर्म हो रहा है, जब पानी गर्म हो जाएगा फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, हमारा पानी भी उबलने आ गया है और इसमें हम थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे, ठीक है। और पूरा प्यार से बनाइए और आपका मैगी बहुत अच्छा बनेगा। वैसे तो सब्जियां पड़ते हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, इसलिए नॉर्मल अंडे के साथ में बना रही हूँ। ये देखिए अब पानी उबल गया है, तो इसमें हम एक एक करके ये मैगी को डाल देंगे, ठीक है। और ये मैगी मैंने तोड़ लिया है, और मैगी को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट पका के उसको पानी को निकाल लेना है। देखिए मैं चम्मच से एक बार इसको चला लेती हूँ। अब मैं मैगी को बाहर पानी से बाहर निकाल के उसके बाद आपको बताती हूँ आगे का प्रोसीजर। ये देखिए दोस्तों, मैगी लगभग पक गया है, अब मैं इसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बाकी का। देखिए तेल में कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, अब उसको गैस को ऑन करते हैं। और इसमें कढ़ाई थोड़ा सूख जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग इतना मैगी के लिए 2 चम्मच तेल डाल दीजिएगा दोपहर लिए। ठीक है, और थोड़ा जीरा, जैसे ही तेल हल्का गर्म होता है थोड़ा जीरा डाल दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ हरी मिर्ची और प्याज भी काट के रखा है, तो आप एक काम करें हरी मिर्ची को इसमें डाल दीजिए, ठीक है, और इन दोनों को चटकने दीजिए। जैसे ये होता है लाल होता है, उसमें प्याज काट के डाल दीजिए। ये मैंने पीस डाल दिया है, पहले ही आपको बताया था। इसको लाल होने दे, ये देखिए मैंने प्याज लाल कर ली हूँ। ये चूल्हे को तेज़ में ही रखें और प्याज को थोड़ा थोड़ा देर में चलाते रहें। देखिए दोस्तों, ये प्याज मेरा लाल होने वाला है,
देखिए जब प्याज लाल हो जाए तो आँच को कम कर दीजिए और उसमें थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला, उसके बाद थोड़ा हल्दी डालिए कलर के लिए, जल थोड़ा थोड़ा बस। उसके बाद आप फेटा हुआ अंडा जो मैंने 3 निकाल के रखी थी वो डाल, ठीक है। इसके बाद ये अंडे को अच्छी तरह भून लूँगी। देखो दोस्तों हमारा अंडा भी ये भूंज के तैयार हो गया है। अब इसमें हम मैगी ऐड करेंगे, ठीक है। आप लोग कैसा बनाते हैं मैगी वो कमेंट्स बॉक्स में अब बताइएगा, ठीक है। और इसमें हम मैगी मसाला भी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। देखिए दोस्तों मेरी मैगी बन के तैयार है। कितना लाजवाब दिख रहा है ना। चलिए अब मैं आपको इसको परोस के दिखाती हूँ। ठीक है, अब बताइएगा आप हमारा मैगी कैसा लगा आपको टेस्ट करके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।